देखा कि नहीं आपने टीजर? देखा मैं। कैसा लगा? Genuinely? Seriously? यार बोल दो। हाँ जी। अरे मैम आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका लुक काफी अच्छा लगा। ये चना का? नहीं चना नहीं आएगा, बस इधर ही। आपका लुक काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो सो मच। आई एम वेयरिंग रश्मीज, ठीक है दादा, रश्मि आर्या करके डिजाइनर है, आई एम वेयरिंग हर क्लोथ्स। थैंक यू ऑल, आई एम लेट फॉर द इंटरव्यू। वेट वेट वेट, साला धूप में करना है क्या? नहीं नहीं अंदर ही करना है। अंदर कर ले है ना? हां चलिए, ये फोटो धूप में अच्छा आ रहा है। पार्टी शॉट भी मिल गया हमें। थैंक यू गाइस। सुरभि जी, रोहित जी भी आ रहे हैं तो उनका भी साथ में करते हैं। रोहित जी अंदर से बाहर आ रहे हैं? ओह आई थॉट इंटरव्यूज के लिए लेट हो रहा है। आप अंदर आने वाले हैं ना सब? नहीं नहीं, भाई कुछ यार हीरो साथ में करते हैं साथ। यस, ये कोई थीम था क्या आज? ब्लैक था, मुझे किसी ने नहीं बताया। ब्लैक रेड भी ठीक है। यार मैं ये कहना चाहती हूँ दैट वी रियली वर्क वेरी हार्ड एज इन ऑफ कोर्स वी वर्क हार्ड फॉर एवरी प्रोजेक्ट बट दिस इज रियली स्पेशल बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक पंजाबी गाना किया है, हार्ड कोर पंजाबी, सो इट्स ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और द होल वर्किंग एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड जैज़म इज अ वंडरफुल सिंगर एंड रोहित इज अ वंडरफुल को एक्टर। बहुत ही अमेजिंग फील हुआ बिकॉज मैडम इज ऑलवेज हरसेल्फ। वो बहुत ईजी हो गया था बिकॉज एक को एक्टर का एक ये हो जाता है एक डिफरेंस, शी इज़ वर्कड अ लॉट मोर, शी इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन मी, बट सेट्स पे शी इज़ बीन सो फ्रेंडली जिसकी वजह से ईजी हो गया था एक्ट करना। एंड देन जाज़िम सर हैज़ सैंग इट रियली वेल एंड आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट वर्क जिसमें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया है एंड एवरीबडी हैव डन इट सो पैशनेटली, वेरी पैशनेटली। मुझे ना ये वीडियो के बाद जब एक्चुअल में लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे ये रियलाइज हुआ शायद लोगों ने मुझे ट्रेडिशनल लुक्स में इतना नहीं देखा है, सो दैट इज वाई इट वॉज अ वेरी फ्रेश चेंज फॉर देम ऑल्सो टू सी मी लाइक दिस एंड फॉर मी ऑल्सो बिकॉज दिस इज एक्चुअली मी, मतलब आई बिलोंग टू अ वेरी सिंपल स्मॉल टाउन फैमिली और मैं ऐसी ही हूँ, लाइक माई कोर इज़ दिस। और बड़ा फील लाइक होम हुआ बिकॉज हमने शूट भी पंजाब में किया पंजाबी लोगों के साथ एंड या आई थिंक दैट इज़ वाई देर इज़ सो मच ऑफ रॉनेस एंड ओरिजिनलिटी इन द सॉन्ग, सो दैट्स वाई पीपल आर लविंग इट। तो लिरिक्स की काफ़ी तारीफ हो रही है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बेसिकली इसके जो लिरिक्स हैं वो मेरे दोस्त मनप्रीत टिवाना ने लिखे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल यही है कि उन्होंने कंपोजिशन के ऊपर ये लिखा है। आई एम सो हैप्पी कि ये गाना जब हमने बनाया बहुत ही मेहनत के साथ इसका इस पर हमने काम किया एंड आई एम सो हैप्पी कि सुरभि जी और रोहित भाई इसमें आए और ये गाना इट्स मतलब बहुत ही, मैंने जब ये वीडियो देखा उसके लिए मैं मनीष भाई का और दीपक भाई का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत प्यारा उन्होंने शूट किया है और देखे एक अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, वही जो बनाते समय गाना मुझे ये फील आ रहा था वो उन्होंने वीडियो पर इन्होंने पूरा एक जिया है इस गाने को। आई एम सो हैप्पी एंड सो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कल ये गाना आप लोगों के पास आने वाला है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और प्यार दीजिए। ये तो दो लाइन जान, माय गॉड, धूप में खड़े होकर भी गाना गवाएंगे आपसे। गा दो। तेरे नाम तो करा बिस्मिल्ला, तेरी याद च कटा मैं चिल्ला, बड़ा उच्चा है मोहब्बत दा टिल्ला, ते टिल्ले विच यार वसदा, दिलां दे विच प्यार वसदा, ते टिल्ले विच यार वसदा, हाय दिलां दे विच प्यार वसदा। मैं
बहुत गर्मी ही इज वेयरिंग लेदर जैकेट फॉर प्लीज यार देखो ना लास्ट क्वेश्चन बिग बॉस का मैं देख ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भाई ठंडा लो ठंडा लो ठंडा लो।